वेलकम बैक टू माई चैनल आजान एंड मम्मा। दिस इज टुडेज मॉर्निंग वेदर। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बारिश बहुत कसती बारिश हो रही थी, तो हम लोग छत पे गए, छत पे जाके थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के लिए वॉक किया। देख सकते हैं यहाँ पे कसती बारिश हो रही है। अभी यहाँ तो मॉनसून बच्चे के आ गए और डेली बारिश हो रही है। इसके बाद आज हम लोगों को सैटरडे और आज जाना है सैम्पलिंग के लिए। लास्ट 12 डेज और वो लोग उनकी जो टीम है हॉस्पिटल टीम है वो प्रॉपर उन लोगों को देख रही है अच्छे से आदि। तो ये हम लोग जा रहे हैं सैम्पलिंग के लिए दोपहर में। वहीं से फ़ोन आया हॉस्पिटल से ही, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी और हम लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे, उसी से जाना था। तो वहाँ जाके हम लोग को सैंपल देना था। सारे ही गए हम चारों और सैंपल दे के अभी रिजल्ट आएगा मंडे तक शायद। ये है यहाँ की एम्बुलेंस, मैंने बढ़िया देखी है। अंदर एम्बुलेंस में बैठ गए हैं और अभी मंडे को हमारा क्वारंटीन पूरा हो जाएगा, 14 डेज हो जाएंगे हम लोगों को। तो मंडे तक ही हमारी रिपोर्ट भी आएगी। आदि को पूरा कपड़े में लपेट के प्रॉपर, हम लोगों ने सबने मास्क लगाया हुआ था, सैनिटाइजर भी लिया था। और बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लोग सारी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। आदि को देखिए कैसे बैठा है वो शांति से। लास्ट में ऐसा थोड़ी सी शैतानी करी, बाकी तो आराम से बैठा रहा। हार्डली 5 to 10 minutes रास्ता हुआ ही और ये हम लोग पहुंच गए अभी हॉस्पिटल। ये उनकी हॉस्पिटल टीम है, हाय कर रहे हैं। हम लोग को वीडियो बनाते हुए देखा तो हाय बोला। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जब हम लोगों का नंबर आएगा तब हम लोगों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले मेरे को और आदि को बुलाया, तो मैंने आदि को लपेट के और गोद में लेके आइसोलेशन वार्ड में गए हम लोग। यहाँ पे भी वेट करना था क्योंकि ऑलरेडी 2-3 पेशेंट बैठे हुए थे पहले, तो वहाँ डिस्टेंस रखते हुए सबको बैठा था। और ये हम लोग इधर आ गए, आने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और वेट करने को बोला। अंदर की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे फोन कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो यहीं तक रिकॉर्डिंग करी। सैम्पलिंग में वो लोग वन बाई वन बुलाते हैं और सैम्पलिंग में स्लाइवा का सैम्पल लेते हैं, नोजी का सैम्पल लेते हैं एंड देन ब्लड लेते हैं वो। तो उसमें वो दो स्टिक से पहले स्लाइवा देन नोज देन ब्लड लेते हैं और बच्चों के लिए सिर्फ स्लाइवा और नोज का सैंपल लेते हैं। तो ये हमारी सैंपलिंग ऐसे पूरी हो गई। अब उसके होने के बाद अभी वेट करने को बोला है, मंडे को रिपोर्ट आएगी।